हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो राधे राधे। तो यहाँ पर मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग वाला जो सारा काम है वो मेरा काम हो गया है और मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है और मंदिर की तो पूजा डेली होती होती है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई हूँ कि मैं छत पर भी जल चढ़ा आई हूँ, यानी कि सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा आई हूँ। तो उसके बाद मेरी पूजा होती है यहाँ मंदिर की। तो जैसा कि मैंने बताया, आज एकादशी का व्रत है और पतिदेव मेरे पूजा करके जा चुके हैं, वो जल चढ़ाने गए हैं और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। तो मैं अपने लिए धूपबत्ती रेडी कर रही हूँ और आरती तैयार कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे पूजा करते हैं तो वो केवल धूप बत्ती जलाते हैं और भगवान जी को भोग लगा देते हैं, नहला देते हैं, यानी कि ये सारा काम वो कर देते हैं, पूरी मंदिर की सफाई कर देते हैं। तो ये सारा काम उनका हो जाता है, क्योंकि वो पहले नहा धो लेते हैं ना, तो वो ये सारा काम कर देते हैं और मैं उनसे थोड़ा बाद में नहाती हूँ। तो फिर मेरा काम यही होता है कि आरती चला देना और फिर अपनी पूजा में शुरुआत कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कोई ख़ास पूजा नहीं करती हूँ, मुझे पूजा करना नहीं आता गाइज। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गणेश भगवान को चंदन लगा दिया है। तो पूजा की स्टार्टिंग मैं अपने गणेश भगवान से ही करती हूँ और फिर इसके बाद मैं रोली लगा दूँगी और फिर उसके बाद इत्र लगाना मैं भूल गई थी, तो उसको मैंने बाद में लगाया। और यहाँ पर अब मैं धूप बत्ती जला लूँगी और आरती चला लूँगी। तो फूल थोड़े से बचे हुए थे, क्योंकि और फूल तो पतिदेव ने चढ़ा दिए थे और दो चार फूल बचे हुए हैं, जिनमें से एक दो मैं चढ़ा दूँगी और एक दो मेरा बाबू जो जल चढ़ाने जाता है तो वो ले जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। गाइज, अगर बैक आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा, बाहर सब्जी बेचने वाला आया है तो उसकी आवाज़ है। और यहाँ पर अब मैं दीपक जला रही हूँ और धूपबत्ती जला लूँगी और फिर इसके बाद कर लूँगी कपूर से आरती। और ज़्यादा मुझे कोई पूजा करनी नहीं आती और एकादशी का व्रत है और एकादशी की बुक भी नहीं है मेरे पास जो कि मैं कथा पढ़ लूँ। तो फिलहाल अभी मेरी पूजा ऐसे ही चल रही है और हर बार मैं मार्केट जाती हूँ ये सोच कर कि एकादशी की मैं बुक लेकर आऊँगी, लेकिन होता क्या है, जब मैं जाती हूँ तो ऐसे ही चली आती हूँ क्योंकि भूल जाती हूँ, तो इसलिए मेरे पास एकादशी की बुक नहीं है। सो सिंपली मैंने ऐसे पूजा कर लिया है और भगवान जी को भोग लगा हुआ है, शक्कर का भोग लगा हुआ है और गिलास आप देख रहे हैं तो उसमें दूध रखा हुआ है हमारे लड्डू गोपाल के लिए, तो वहाँ पर भी भोग लगा मतलब वो भी भोग लगा हुआ है। और यहाँ जब मैं कपूर की आरती जलाकर बाहर वाले बड़े वाले कमरे में ले गई थी, तो वहाँ से आते समय जल्दी जल्दी आ रही थी तो वो बुझ गई थी, तो फिर से मैंने उसको जला दिया। बस ऐसा होना नहीं चाहिए, कहते हैं ऐसा होना गलत होता है, लेकिन अब क्या करें, हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पर मैंने आचमन वगैरह दे दिया है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए आरती है और फिर इसके बाद हमारी पूजा यहाँ पर हो गई। तो अब जिस आसन पर मैं बैठी थी उस आसन को उठाकर रख दूँगी और अब तैयारी करूँगी अपने किचन के लिए, क्योंकि किचन में भी मैं धूपबत्ती डेली मॉर्निंग में लगा देती हूँ, क्योंकि जब नहाती हूँ पूजा करती हूँ तो वहाँ पर भी हमारी अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, तो वहाँ पर भी ले जाकर मैं धूपबत्ती लगा दूँगी। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे कुछ पता चलता है, अगर अच्छी कोई चीज़ मुझे मिलती है तो मैं उसको ले लेती हूँ और ख़राब कोई चीज़ होती है तो मैं उसको नहीं लेती हूँ। मेरे मन को जो भी चीज़ भा जाए तो मैं उसको ज़रूर लेना चाहती भी हूँ, चाहूँगी भी, और क्योंकि अच्छी चीज़ें तो हर व्यक्ति लेना चाहेगा, और व्यक्ति की तो बातें नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं से कुछ भी अच्छी चीज़ मिले तो हम उसको ज़रूर ले लें। मेरे अंदर ये खूबी तो कुछ ज़्यादा ही है। तो चलिए, यहाँ पर धूपबत्ती वगैरह जला दी है और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ अब, यानी कि थोड़ा सा बालों को समेट ले रही हूँ और हल्का फुल्का सा अपना मेकअप कर लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद
अगर मैं बाल नहीं झाड़ती तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी रहती है, तो बालों को समेट लूँगी। और बिंदी मेरी निकल गई थी तो बिंदी लगानी है, और लिप बाम तो मैं पहले ही लगा चुकी हूँ और क्रीम भी मैं पहले ही लगा चुकी हूँ, केवल मुझे बालों को संवारना था, सो मैंने बाल को भी संवार लिया है। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में, और यहाँ पतिदेव मेरे जा रहे हैं शनि देव मंदिर पर हाँ भाई दीपक साहब, जलाने काम के लिए, रहा तो है उन्होंने ये तेल इधर से मतलब चुभेगा कि दीपक नहीं बनाया चुभेगा, हुआ ये था तो उसमें तेल गिरा रहे थे, तो तेल तेल क्या गिरा डालने में रहे भी थे हाथ तो काँप कि उनका रहा। हाथ कांपने लगा, तो वही मैं बोल रही थी। रुको देख रहे दूसरी कटोरी, बताओ ये तेल ये। लेते जाओ इसी में निकाल के, ऐसे लेते जाओ उस पे चढ़ा देना पीपल पे, रख लो रख लो, लगेगा ही तो, चला के ऐसे ही रख देना, चढ़ा देना जाओ। ये देखो कैसे हाथ कांप रहा है तुम्हारा, ऐसे रख लो। तो पता नहीं कैसे उनका हाथ कांपा कि वो दीपक में तेल ना जाके कटोरी में तेल गिर गया, और वो भी ज़्यादा। तो मैंने पहले सोचा कि इसको दूसरी कटोरी में मतलब दूसरी तस्तरी में कर देते हैं दीपक को, और ये तेल उठाकर मैं डाल दूंगी डिब्बे में, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज शनिवार का दिन है और तेल जब गिर ही गया है तो फिर इसको अब मैं डिब्बे में नहीं डालूंगी। तो मैंने उनसे बोला कि इसको ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना या शनि मंदिर पर चढ़ा देना, जैसा जो भी कुछ हो चढ़ा देना, क्योंकि अब मैं इसको नहीं डालूंगी। कहते हैं, मैंने सुना है कि शनिवार के दिन अगर ज़मीन में तेल गिर जाए तो फिर उसको नहीं उठाना चाहिए, ज़मीन में या किसी भी तरह से गिर जाए तो उसको नहीं उठाना चाहिए, उसको हटाकर मतलब फिर वहीं डाल देना चाहिए। तो कटोरी में गिर गया तो मैंने कहा अच्छा तेल है, इसको ले जाकर मंदिर में चढ़ा देना। और देखिए आप लोगों से बात करती रही, और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, और यहाँ देखिएगा मेरी मतलब आलसपन बोल लीजिए या मूर्खता बोल लीजिए या जो भी कुछ इच्छा आप बोल लीजिए, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि साड़ी पहनने में साड़ी भी कितनी काम आती है कभी कभी। तो यहाँ पर मेरा जो किचन का कपड़ा था तो वो मुझे मिल नहीं रहा था, और हैंडल इसकी गर्म हो गई थी, चाय बॉयल कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि किससे उतारूँ किससे उतारूँ, तो जब साड़ी मैंने पहनी तो मुझे साड़ी ही दिख गई। फिलहाल मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती हूँ जो मैंने आज की है, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती हूँ कि अपने कपड़े का मैं यूज़ करूँ। तो फिलहाल मैंने कहा चलो अब हैंडल पकड़कर चाय छान लेती हूँ, तो वही हैंडल पकड़कर मैंने चाय छानी है। तो ऐसी गलती कभी कोई नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसी गलती नहीं करती हूँ कभी। तो ये आज आलसपन थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, बाकी और कुछ नहीं है। तो चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए, तो सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ सिर्फ आलू की, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो रखा है, तो केवल आलू की ही सब्जी बना रही हूँ। क्योंकि मतलब मटर है, गोभी है, बंधा है, सब कुछ है, लेकिन है क्या, टाइम नहीं है कि मैं बंधे को काट सकूँ और उसको जल्दी से मैं बना सकूँ। तो आलू को मैंने दो मतलब दो तीन आलू ली बड़ी बड़ी सी, और इसको काट कर बस ऐसे छोंक दिया। टमाटर नहीं है तो इसलिए मैंने और कुछ भी नहीं बनाया, तो इसमें केवल वही मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा और जीरा का तड़का लगाया, गरम मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया और थोड़ा सा रसा कर दूंगी, बस सब्जी हमारी हो जाएगी फटाफट से रेडी, एकदम सिंपल सी। क्योंकि आज व्रत है तो लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, सिंपल सा हमारा खाना बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी है, रसा भी कर दिया है, और पतिदेव यहाँ पढ़ रहे हैं अखबार। इस समय पतिदेव मेरे कुछ नाराज़ मुझे लग रहा चल रहे हैं, क्योंकि मैंने इतनी बातें बोली, वो बोले नहीं, वरना ये शांत रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एक बात बोलती हूँ तो 10 10 बात ज़रूर मुझे सुनने को मिलती है। और ये कपड़े आप लोग देख रहे हैं, मैं छत पर से लेकर आई हूँ, ये कपड़े हैं गीले, मॉर्निंग में मैं इनको फैला कर आई थी, तो हमारे यहाँ होने लगी है बारिश, तो मैं फटाफट से गई सबसे पहले कपड़े लेकर आई। मैंने कहा कि और बारिश होगी तो कपड़े हमारे भीग जाएंगे जो सूखे हुए हैं, थोड़ी बहुत हवा वगैरह लगी हुई है, तो सारे कपड़ों को मैं डाल दूंगी इसी गेट पर, क्योंकि हल्के फुल्के सूख चुके हैं, और जब फैन वगैरह चलेगा
तो ये भी कपड़े सूख जाएंगे, तो इनको फिर मुझे दोबारा जो है छत पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो और टॉवल जो है छोटी वाली उसको डाल दिया है कूलर पर, और एक डाल दिया मैंने गेट पर। और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर की बारिश कैसी हो रही है। तो ये देखिए बारिश जो हो रही रिमझिम रिमझिम सी हो रही, ज़्यादा तेज नहीं है लेकिन हाँ गाइस पिघले वेलकम भर बैक को टू माय है चैनल। बारिश ये। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हमारे यहाँ हो रही है बारिश, आज मौसम बहुत जोरदार बना हुआ था, लेकिन तो बारिश हो रही है हमारे यहाँ, मतलब ज़्यादा तेज नहीं हो रही है लेकिन हो रही है। यानी कि अगर मैं कपड़े लेकर ना आती तो कपड़े हमारे सारे भीग जाते। और ये कपड़े मैंने आज मॉर्निंग में ही डाले थे, मैंने कहा कि जो भी सूखे हैं इनको उतार कर मैं ले आती हूँ वरना भीग जाएंगे, तो फिर से मुझे धो धा के डालना पड़ेगा और पता नहीं कब सूखेगा कब नहीं सूखेगा। तो कब फिलहाल मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ और सब्जी बन गई है, पूड़ी बन गई है, और आज है मेरा एकादशी का फास्ट। जैसे कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो वो ये जानते ही जानते हैं कि मैं एकादशी का फास्ट करती हूँ। और अभी मेरे ये सारे मतलब बिस्तर वगैरह सब पड़े हुए हैं, तो चलती हूँ इनको संभालती हूँ। पतिदेव चले गए हैं, ऑफिस गए हैं, और यानी कि ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो ऑफिस चले गए। बाबू गया है नहा कर मंदिर, लेकिन बारिश हो रही तो मुझे लग रहा है कि वो मंदिर में ही टिक गया है। मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर हमारे घर के पास में ही है। कभी संभव हुआ तो आप लोगों को जरूर मैं लेकर चलूंगी। दरअसल होता क्या है, जिस समय मैं मंदिर जाती हूँ उस समय मेरे घर में कोई होता नहीं है। अब पति देव तो वीडियो कहीं बाहर मेरी शूट नहीं करते हैं, ठीक है। और बाबू है थोड़ी बहुत शूट कर देता है, तो वो अपने स्कूल वगैरह में रहता है। लीजिए बाबू का नाम लिया, बाबू आ गए तो मुझे लगता है ये रुके नहीं और वैसे ही भीगते भीगते चले आ रहे हैं। भैया जब बारिश हो रही थी तो रुक तुम्हारी जाते। धीमी होगी तो आ गई। तो साहब चले आए हैं, तो चलिए किसी दिन आपको लेकर अपने मंदिर भी चलूंगी। तो चलती हूँ, ये बिस्तर वगैरह हटाती हूँ, बाबू को कुछ नाश्ता पानी देती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं ये जो अपना कंबल है ये सारे कंबल वगैरह को हटा कर रख दूँ, क्योंकि अभी बाबू मेरा बैठेगा नाश्ता पानी करेगा तो वो जो है ना वो सबसे छोटा वाला बच्चा बन जाता है, उसको खुद ही नहीं समझ में आता तो वो सब चीज़ें फिर गंदा करना चालू कर देता है। उसका मतलब ये है कि खाए पियेंगे तो पैर फैला लेंगे या जैसे तैसे, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने कंबल को फोल्ड करके रख दिया है और अब आ गई हूँ किचन में पूड़ियाँ सेकने के लिए, क्योंकि बाबू के लिए मैंने सेकी नहीं थी तो उनके लिए भी मैंने कहा कि गरम गरम, जब मुझे पूड़ियाँ गरम गरम खाने में अच्छी लगती हैं तो उनको भी बनाकर मैं गरम गरम दे दूँ। तो गरम गरम यहाँ पूड़ियाँ सेक रही हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी सब्जी और पूड़ी खाने के लिए। और हाँ जाते जाते एक बात ज़रूर बोलूँगी कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मैं यही कहूँगी कि सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वो भी बेल आइकन बटन के साथ, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे भी सपोर्ट कर सके। अगर मैं मतलब यहाँ पर आई हूँ कुछ करने के लिए तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कुछ कर सकूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ, तो आ जाइए आप लोग भी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ये वीडियो आज की थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा हो गई ना वो मुझे पता है, क्योंकि जब छोटी होती है तो लोग तो देखते नहीं है, तो ये बड़ी वीडियो क्या देखेंगे वो तो मुझे पता है। लेकिन जो भी देखिएगा अगर कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अगर कुछ भी कहना चाहते हो कुछ भी बोलना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए मुझसे ज़रूर कहिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।